तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स स्पाई यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरव। और आज के दिन के पहले वीडियो में जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा टॉटनम वर्सेस ब्राइटन के बीच। इस मुकाबले का करते हैं डिटेल एनालिसिस। प्रीमियर लीग का मैच है, एक और वीकेंड दोस्तों स्टार्ट हो गया, तो इसके बाद लेस्टर लिवरपूल का मैच हम कवर करने वाले हैं चैनल में। उसके बाद दोस्तों हम कवर करेंगे क्रिस्टल पैलेस और वेस्ट हैम यूनाइटेड का मैच। तो ये टोटल 3 मैचेस आज कवर होंगे और कल होंगे 4 मैचेस कवर। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उससे जुड़ जाइए। कल का मैच भी काफ़ी अच्छा गया था हमारा, सारे मैचेस में अच्छी विनिंग्स हो रही है, तो टेलीग्राम से जुड़ना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मैच की टीम, फाइनल टीम भी वहीं मिलेगी। तो अब चलते हैं इस मैच के एनालिसिस पे। तो दोस्तों टॉटनम और ब्राइटन, टॉटनम की बात करें प्रीमियर लीग की टॉप की टीम्स में आती है, हालांकि इस सीजन स्ट्रगल कर रही है थोड़ा। और ब्राइटन लो लेवल की टीम है, टॉटनम के अगेंस्ट काफ़ी निचले लेवल की टीम है, और इस सीजन में इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा रही रहा है। हालांकि ब्राइटन का आज होम मैच है, शाम 5 PM पे स्टार्ट होगा, तो थोड़ा होम एडवांटेज लेके आएगी ब्राइटन, लेकिन फिर भी टॉटनम के आगे कुछ ज़्यादा मजबूत है नहीं है। स्टैंडिंग देखिए तो टॉटनम जहाँ 6th पोजीशन में, ब्राइटन 16th में। टॉटनम की 3 जीत 2 ड्रॉ और 2 हार हैं, ब्राइटन की सिर्फ 1 जीत है, 3 ड्रॉ है और 3 हार है। यानी कि टॉटनम का इनसे परफॉर्मेंस अच्छा है। अब लास्ट 4 रिजल्ट्स देखते हैं दोनों टीम्स के बीच। तो यहाँ पे पहले टॉटनम के देखते तो लेस्टर से 2-1 से हारे थे, उसके बाद इन्हें कोलेस्टर से 0-0 से ड्रॉ खेला था, फिर इन्होंने साउथहैम्पटन को 2-1 से हारा था, लेकिन पिछला मैच जो UCL का था बायर्न म्यूनिख ने इन्हें 7-2 से हरा दिया था। बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन थी टॉटनम के लिए, तो आज ये फाइट बैक करना चाहेगी, बाउंस बैक। और यहाँ ब्राइटन के लास्ट 4 रिजल्ट देखे तो दोस्तों इनके गोल्स बहुत कम आते हैं, गोल लो स्कोरिंग मैचेस ज़्यादा खेलते हैं। 1-1 बर्नली से ड्रॉ था, फिर न्यूकासल से 0-0 ड्रॉ, फिर 3-1 से एस्टन विला से हार थे, फिर 2-0 से पिछले मैच में चेल्सी से हार थे। तो यहाँ पे देखिए पिछले 4 मैचों में सिर्फ इनके 2 गोल्स हैं, तो गोल्स कम मारते हैं। लास्ट 5 मैचेस इन दोनों टीम्स के बीच देखे तो टॉटनम 4 जीती और ड्रॉ 1 रहा है, यानी ब्राइटन एक भी मैच नहीं जीती है पिछले 5 मैचों में इन दोनों टीम्स के बीच हुए। तो आज भी टॉटनम फेवरेट्स है। टॉटनम से ऑरियर सस्पेंडेड है, लास्ट मैच में रेड कार्ड खाया था इन्होंने, और लो सेल्सो इंजर्ड है। अब यहाँ ब्राइटन से कुछ बड़े प्लेयर्स में डेवी प्रॉपर, थ्रोसार्ड, बर्नाडो और डफी, ये कुछ बड़े प्लेयर्स आज बाहर है। प्रोबेबल लाइनअप देखते हैं, पहले टॉटनम की देखते तो दोस्तों 4-2-3-1 की फॉर्मेशन से खेलेंगे। लोरिस होंगे इनके गोलकीपर, डेविस और वॉकर पीटर्स खेलते हैं, फुल बैक्स दोनों अटैकिंग है। डेविस के बदले दोस्तों डैनी रोज भी खेल सकते हैं, तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो मेरे पास न्यूज़ है उसमें डेविस ही खेलेंगे आ रहा है। तो बाकी काइल वॉकर पीटर्स असिस्ट गोल दोनों कर सकते हैं, और डेविस और रोज में से जो खेला दोनों असिस्ट गोल कर सकते हैं। सेंचेस और एल्डरवाइट ये सेंटर बैक्स हैं दोस्तों, यहाँ पे डेविनसन सेंचेस के बदले आपको यान वर्टोगन खेलते हुए भी दिख सकते हैं, तो जो खेला उनको ले लीजिए। इन दोनों के बेसिकली सबसे ज़्यादा पासेस आएंगे विद हैरी विंग्स जो होल्डिंग मिडफील्ड में खेलते हैं, और टेंगवाई एंडम्बले ये खेलते हैं सेंटर मिडफील्ड में, तो इन चारों के सबसे ज़्यादा पासेस आएंगे दोस्तों। इनके बदले आपको मूसो सिजोको खेलते हुए भी दिख सकते हैं, वॉकर पीटर्स या एंडम्बले में से किसी एक के बदले तो वो खेलते थे, वो भी पासेस अच्छे करेंगे। बाकी लमेला और ह्यूमिंगसन खेलेंगे विंग्स में, एरिक्सन खेलेंगे अटैकिंग मिडफील्ड में, और केन खेलेंगे सेंटर फॉरवर्ड, ये इनके मेन प्लेयर हैं, स्ट्राइकर हैं, पेनल्टी टेकर हैं। बाकी अगर लमेला के बदले लूकास मोरा खेलते हैं, वो भी काफ़ी अटैकिंग प्लेयर है, गोल्स असिस्ट करते हैं। सन और एरिक्सन भी गोल्स और असिस्ट दोनों करते हैं। अब दोस्तों ये है, अब यहाँ पे ब्राइटन की देखते तो 3-5-1-1 की फॉर्मेशन से खेलते हैं, 3 इनके डिफेंडर्स खेलते हैं, डंग, ब्रन और वेफ्टर। डंग खास तौर पे काफ़ी अटैकिंग है, हेडर्स में इनके गोल आते हैं और पासेस बनाएंगे। बाकी 2 इनके फुल विंग बैक्स खेलते हैं, मोंटोया और एलजाटे। 3 इनके सेंटर मिडफील्ड में प्लेयर खेलते हैं, एरोन मोई, स्टीपन्स और बिशुमा। बाकी पास्कल ग्रोस खेलते हैं अटैकिंग मिडफील्ड में, और नील मुपे खेलते हैं स्ट्राइकिंग सेक्शन में। तो नील मुपे के अभी तक इस सीजन 2 गोल है, बाकी पास्कल गोल ने ग्रोस ने लास्ट सीजन अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इस सीजन अभी तक परफॉर्मेंस आया नहीं है, शायद आज कर दे। बाकी दोस्तों यहाँ पे ये तीनों सेंटर बैक्स अच्छे हैं, सेंटर मिडफील्डर्स, बाकी ऐसा कोई मेन प्लेयर है नहीं। मार्टिन मंटोया थोड़ा अटैकिंग है, कल जाटे उतना अटैकिंग नहीं है, तो ऐसी है कुछ यहाँ ब्राइटन की लाइनअप। अब टॉप गोल स्कोरर इस सीजन की बात करें, ये सेक्शन आपको टीम बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टॉटनम की तरफ से देखिए इस सीजन केन के 5 गोल है, लमेला 2, सन 2, एरिक्सन 1, लूकास मोरा 1 और एंडम्बेले के 2 गोल है। असिस्ट में भी देखिए आप, सन के 2 असिस्ट हैं, फिर लमेला, केन, एरिक्सन, लूकास मोरा, सिजोको, एंडम्बेले, ओरियर और एल्डरवाइट का 1-1 असिस्ट है। अब दोस्तों जैसा मैं कह रहा था ब्राइटन से बहुत कम गोल आए इस सीजन, सिर्फ 4 ही गोल है, तो मुपे के 2 गोल है, एंडोने और ट्रोसार्ड का 1-1 गोल है, और असिस्ट में डंक, मार्च और प्रॉपर का 1-1 असिस्ट है। तो दोस्तों इस स्टेट्स का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ, और जब टीम आएगी, टीम फाइनल टीम आ जाएगी, तो उसके बाद एक बार स्टेट्स देखिए, फिर अपनी टीम बनाइए अच्छे से। अब बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर एक बार फिर दिखाता हूँ दोनों टीम्स के, केन, सन, एरिक्सन, ये तीनों टॉप 3 पिक्स में आपको रिकमेंड करूंगा टॉटनम से। फिर लमेला, लूकास में से जो खेला वो इंपॉर्टेंट होगा, एंडम्बेले और वॉल्कर पीटर्स। ब्राइटन से मुपे, ग्रॉस, स्टीफन्स, बिसुमा, मोए और डंक। अब दोस्तों यहाँ पे प्रिडिक्शन,
अवे मैच है टॉटनम का, और आज जब भी ये थोड़ा क्रिटिसाइज होते हैं इनके मैनेजर जो पोचेटिनो है, तो उसके बाद ये फाइट बैक करते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो लास्ट मैच में काफ़ी क्रिटिसिज्म झेली थी इन्होंने, तो मुझे लग रहा है आज फाइट बैक करेंगे अच्छा और 2-1 से यहाँ पे ब्राइटन को हराएंगे। यहाँ पे 2-0 टॉटनम भी हो सकता है। इवन दोस्तों ब्राइटन अपने घर में चौंका भी सकती है टॉटनम को, क्योंकि टॉटनम थोड़ी अनप्रिडिक्टेड सी हो गई है, न्यूकासल के अगेंस्ट भी 1-0 से हारे थे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ 60-70% चांस इस रिजल्ट के, तो मैं इसके साथ ही जा रहा हूँ। अब ड्रीम इलेवन की टीम आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन से पहले यह है टेलीग्राम चैनल, इसे देख लीजिए। कल के मैच की फाइनल टीम्स भी यही मिली थी और अच्छी विनिंग्स हुई थी सारे मैचेस की, लगभग फाइनल टीम्स कुछ टिप्स आपको मिलते हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं आपको टीम बनाने में, तो इससे जरूर जुड़ जाइए। देखिए ऐसे टिप्स मिलते हैं यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर से जरूर जुड़ जाइए। अब ड्रीम इलेवन की टीम आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन ने 2 टीम्स बनाई और दोनों टीम में टॉटनम के साथ साथ प्लेयर्स लिए, क्योंकि मोस्टली बंदे इसी के साथ जाएंगे। तो पहली टीम है 2-1 मेरी प्रिडिक्शन वाली है, या इवन 2-0 में भी काम आ जाएगी। और दूसरी टीम है टॉटनम फुल क्लीन शीट वाली है, ये 2-0 टॉटनम, जहाँ पे मैंने टॉटनम के 4 डिफेंडर्स लिए हैं जो क्लीन शीट के ज़्यादा पॉइंट्स देंगे। तो पहली टीम आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने लिया दोस्तों टॉटनम के 3 डिफेंडर्स, उसके अलावा जो मैंने लिया 4 मेन अटैकर्स ले लिया, लमेला, केन, सन और एरिक्सन। बाकी मैंने यहाँ से 3 इनके अटैकर्स ले लिए, पास्कल ग्रोस, डेल स्टीफन्स और नील मोपे। अब आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे गोलकीपिंग सेक्शन से आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है मैट रायन। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो लोरिस ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अटैकर ज़्यादा ले रहे हैं इस टीम में तो लोरिस के साथ मत जाएगा। बाकी एल्डर वाइड मैंने ले लिए हैं, नीचे से डेविस और वॉकर पीटर्स ले लिए। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर वटोंगन खेले तो आप इन दोनों में से किसी एक को हटा के इनके साथ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों क्रेडिट मेंटेन हुए तो डेविनसन सेंचेस के चांस लग रहे खेलने तक के, तो इनके साथ भी आप जा सकते हैं। आप यहाँ पे इस टीम में टॉटनम के 3 डिफेंडर ले रहे हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पे से लमेला ले लिया मिडफील्ड में, एरिक्सन ले लिया, दोनों खेले तो दोनों आपको कन्फर्मली लेने, काफ़ी अटैकिंग है। अगर कोई एक खेला तो फिर आप एरिक्सन को पहले प्रीफर करना लमेला से पहले, क्योंकि ये काफ़ी अटैकिंग है। बाकी मैंने पास्कल ग्रोस ले लिया, इस सीजन इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है ब्राइटन से, लेकिन ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और नीचे से मैंने लिया डेल स्टीफन्स, आप इनके बदले दोस्तों डेल स्टीफन्स के बदले आपको कोई और दिखते तो नीचे से आप व्यू वाई बसुमा है, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है, इनको ले सकते हैं। बाकी दोस्तों नीचे से अगर सिसोको खेलते हैं आप सिसोको के साथ भी जा सकते हैं। और दोस्तों आप लमेला के प्लेस में एक और जो चेंज कर सकते हैं, आप लमेला के प्लेस में टेंगवाई एंड डोम्बेले भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अटैकिंग प्लेयर है, इस सीजन 2 गोल्स हैं और पासेस काफ़ी बनाएंगे, ये आप चेंज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक एरोन मोई भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, पास मेकर हैं और शायद कॉर्नर से ही लेते हैं, तो ये भी एक ब्राइटन से अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बाकी तीनों मेन स्ट्राइकर्स मैंने दोनों टीम से मिला के ले लिए, केन और सन ये दोनों आपको कन्फर्म ले लें टॉटनम से। बाकी नील मोपे इनके एकमात्र स्ट्राइकर जिनके 2 गोल हैं, इनके साथ में गया हूँ। दोस्तों नीचे से कोई मेरे को दिख नहीं रहा ऐसा, हाँ अगर यहाँ पे सन या लमेला के बदले लूकास मोरा खेलते तो ये एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। बाकी मूपे के बदले मरे खेले तो लास्ट सीजन के ब्राइटन के टॉप स्कोरर है, ये भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब दोस्तों फिलहाल इस टीम में इतना कुछ है नहीं, यहाँ पे मेरे कैप्टन रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास पहली टीम में जो मेरे कैप्टन है केन है, वाइस कैप्टन सन है। आपके पास अगर 2-1 के लिए जा रहे तो आप मूपे के साथ जा सकते हैं वाइस कैप्टन में, लेकिन मैं थोड़ा कम रिकमेंड करूंगा। बाकी लमेला और एरिक्सन ये आपके पास वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है, लेकिन मेनली ज़्यादातर बंदे आपको इन दोनों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन करते हुए दिखेंगे, यही सेफ चॉइसेस हैं। दूसरी टीम दिखा दूँ, ये टॉटनम फुल क्लीन शीट आ गई, चारों डिफेंडर्स आ गए, यहाँ पे 2-0 टॉटनम में, ये चारों मुझे क्लीन शीट के पॉइंट दे देंगे। बाकी यहाँ मैंने लमेला ड्रॉप कर दिया, एरिक्सन सन और केन ले लिया, यहाँ मैंने मुंबई ड्रॉप करके इनको तीनों मिडफील्डर्स ले लिया जो कि पासेस बनाएंगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, मोय और स्टीफन्स खास तौर पे काफ़ी पासेस बनाएंगे। तो ये है मेरी दूसरी टीम, यहाँ भी मेरे कैप्टन सन है, केन है, वाइस कैप्टन सन है। आप चाहे एरिक्सन को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं, या आप डेविस या वॉकर पीटर्स को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं, अगर डेविस के बदले रोज खेले तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वाइस कैप्टनसी के। तो दोस्तों ये थी 2 टीम्स, फाइनल टीम जो भी होगी वो मिलेगी टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। इसके बाद 2 और वीडियोस आएंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।